नमस्कार दोस्तों, जड़ी बूटी परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और जड़ी बूटी। ये जो मेरे हाथ में आप जड़ी बूटी देख रहे हैं, यह है रेवंद चीनी। आप में से कम ही लोगों ने इसका नाम सुना होगा या पहले कभी देखा होगा। हालांकि कुछ लोग इसे जानते होंगे, उन्होंने इसका उपयोग ज़रूर किया होगा, लेकिन इसके बारे में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आम जनमानस नहीं जानता। सबसे पहली तो ये कि रेवंद दो किस्म का होता है, रेवंद चीनी और रेवंद खताई। हालांकि जो दूसरा रेवंद, रेवंद खताई है, अब ये नहीं मिलता है, तो इसलिए प्रयोग में केवल रेवंद चीनी होता है। भारत में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे रेवंद, रावंद, अम्लपर्णी, पद्मांचल और अर्चा। इसका प्रयोग अनेक बीमारियों में होता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि हालिया कुछ सालों में जो इसके ऊपर रिसर्च हुई है, तो इसका प्रयोग कैंसर की इनिशियल स्टेज को कंट्रोल करने के लिए भी होता है। इसकी 1 से 2 ग्राम की मात्रा चूर्ण बनाकर प्रतिदिन सेवन की जाए तो कैंसर की सेल्स की रोकथाम में ये बेजोड़ औषधि है। अगर बात करें तासीर की, तो तासीर से गर्म और खुश्क होती है। और अब इसका एक अगला उपयोग उन लोगों के लिए जो माइग्रेन से परेशान हैं। हालिया दिनों में ऐसे लोगों ने हमसे बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट किया कि तरह तरह की गोलियाँ खाई, दवाई खाई, लेकिन उन्हें माइग्रेन में कोई आराम नहीं मिल पाया। आप इस रेवंद का प्रयोग करके अपने माइग्रेन को दूर भगा सकते हैं। तरीका बहुत सिंपल है, आप इसे पानी के साथ सिल पर घिसिए, जिसे सिलबटना कहते हैं, उस पर घिसिए और एक लेप बना लीजिए। उस लेप को अपने ललाट पर अपने माथे पर अप्लाई कीजिए, आधा घंटे बाद धो दीजिए। यदि आप नियमित रूप से रेवंद का इस तरीके से प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि आपको दोबारा माइग्रेन की शिकायत नहीं होगी। इसी के साथ ही साथ आप इस लेप का प्रयोग किसी भी चोट, मोच या सूजन पर भी कर सकते हैं। यदि आपके शरीर के किसी भाग में चोट, मोच, सूजन, ऐसी कोई परेशानी है, तो इस लेप को आप वहाँ पर अप्लाई कीजिए, तकरीबन आधे घंटे के बाद धो दीजिए। 1-2 बारी जब आप ये लेप लगाएंगे तो देखेंगे वहाँ से दर्द भी कम हो गया है और साथ ही साथ वहाँ से सूजन भी खत्म हो गई है। और दोस्तों, इसके बाद अगला प्रयोग उन लोगों के लिए जो शीत, पित्त या फिर किसी भी तरीके के मूत्र विकार से जूझ रहे हैं। वो लोग रेवंद चीनी का प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं? आप रेवंद चीनी 20 ग्राम की मात्रा में और 50 ग्राम की मात्रा में धागा मिश्री लीजिए। दोनों को अलग अलग पीस के चूर्ण बनाइए और बाद में मिलाकर वो पाउडर बना लीजिए। प्रतिदिन वो पाउडर आप 5 ग्राम की मात्रा में सेवन करें तो आप देखेंगे या तो आपको रक्तपित्त की शिकायत हो या फिर किसी भी तरीके का मूत्र विकार, इन दोनों को ही दूर करने की काबिलियत रखता है ये रेवंद चीनी। और दोस्तों, अब वो लोग जो किसी भी तरीके से श्वास संबंधित विकार से जूझ रहे हैं, जिनका सांस फूलती है, खांसी रहती है, चाहे वो कफ वाली हो या सूखी, वो भी रेवंद चीनी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए वो क्या करें, रेवंद चीनी को पीस के इसका चूर्ण बना लें और उस चूर्ण को दिन में 1 बार शहद के साथ चाटें। आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आपको एक दिन में मैक्सिमम रेवंद चीनी की 2 ग्राम मात्रा लेनी है। आप किसी भी सूरत में 2 ग्राम से अधिक रेवंद चीनी का सेवन ना करें। और दोस्तों, अब रेवंद चीनी का एक बहुत खास नुस्खा उन लोगों को जिनको बहुत लंबे टाइम से या तो बदन में या कमर में दर्द बना ही रहता है। वो केवल 5 चीज़ें मिलाएंगे और देखेंगे उनका दर्द छूम अंतर हो चुका है। रेवंद चीनी, अश्वगंधा, हल्दी, सौंठ और मेथी, इन सारी चीज़ों को बराबर मात्रा में मिलाइए, पीस कर चूर्ण बना लीजिए और प्रतिदिन 3 से 4 ग्राम की मात्रा में उसका सेवन यदि वो 2 हफ्तों तक करते हैं तो देखेंगे उनके शरीर में लगातार रहने वाला दर्द हमेशा के लिए जा चुका है। और दोस्तों, बताई गई बीमारियों के अलावा यदि आप 2 हफ्ते में 1 बार भी कभी रेवंद चीनी का सेवन करते हैं तो इसकी सहायता से आपका लीवर मजबूत रहता है। वो लोग जिनको फैटी लीवर की शिकायत है, वो रेवंद चीनी के प्रयोग से दूर हो जाती है। इसके अलावा यह आपके पाचन को मजबूत बनाता है। दोस्तों, रेवंद चीनी में जहाँ इतने सारे गुण हैं, साथ ही साथ ये एक बहुत गर्म औषधि भी है, तो इसका प्रयोग करने से पहले आप किसी चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें या फिर आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर हमसे भी बात कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके जीवन में आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का कुछ महत्व है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जड़ी बूटी परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।